हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजस्थान में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या, 24 घंटे में मिले 10,000 से अधिक पॉजिटिव। प्रदेश में 10,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में 3 जिलों में 3 संक्रमितों की मौत भी हो गई। चिकित्सा विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के 10,307 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश के जोधपुर, दौसा और उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। कोरोना संक्रमण अब लगातार पांव पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से अब हर रोज मौत भी हो रही है। ऐसे में प्रदेश वासियों के लिए कोरोना संक्रमण से बचाव और जागरूकता के साथ वैक्सीनेशन अनिवार्य है। शुक्रवार को प्रदेश में 10,000 से अधिक नए केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के 3 जिलों में 3 संक्रमितों की मौत भी हो गई है। चिकित्सा विभाग के मुताबिक शुक्रवार को कोरोना के 10,307 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश के जोधपुर, दौसा और उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो गई। इधर प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण से 3,096 लोग रिकवर भी हुए हैं, लेकिन राजस्थान में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 50,000 से अधिक हो गई। ये सरकार के साथ प्रदेश वासियों के लिए चिंता का विषय है। प्रदेश में अब एक्टिव केस 52,773 हो गए हैं। वहीं शुक्रवार को राजधानी जयपुर में 2,549 नए केस आए हैं। इनमें सर्वाधिक सोडाला में 130, वैशाली नगर में 129 और जोटवाड़ा इलाके में 124 केस कोरोना के आए हैं। इनके अलावा जयपुर में 85 केस, तो ऐसे में जिनके प्रशासन के पास एड्रेस ही नहीं है। चिकित्सकों के मुताबिक प्रदेश के प्रत्येक जिले में कोरोना संक्रमण फैल गया। राजधानी जयपुर में सर्वाधिक केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश के सीमावर्ती पश्चिमी जिला जालौर कंट्रोल में है। जयपुर में जहां शुक्रवार को 2,549 केस सामने आए हैं, वहीं एकमात्र जालौर जिला ऐसा है जहां कोई भी नया केस सामने नहीं आया। सिरोही में 105 तो पाली में 190 नए संक्रमित सामने आए हैं। जयपुर के बाद अलवर में 1,027 तो जोधपुर में 801 केस सामने आए हैं। चिकित्सा विभाग के मुताबिक 13 जनवरी तक प्रदेश भर में 6,69,383 लोगों की जांच की गई। इनमें से 51,491 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जागरूक टीवी की जयपुर से खास रिपोर्ट।